नमस्कार दोस्तों, की एग्जाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसा कि आपका RFCL का एग्ज़ाम लगा हुआ है जो कि 7 अप्रैल को, और उसी दिन 3 एग्ज़ाम हैं जो कि आपको चूज करना है कौन सा आपको एग्ज़ाम देना है। और मैं आपको बता दूं, UPSC TG2 बिहार में जो विद्युत विभाग में भर्ती आई हुई है, ये सभी भर्तियों के लिए ये इलेक्ट्रिशियन की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो जो कि इलेक्ट्रिशियन से संबंधित, यहाँ से इलेक्ट्रिशियन देख कर चले जाना, आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। आर्क वेल्डिंग के मामले में आंखों की सुरक्षा के लिए डेड डैश का इस्तेमाल करना चाहिए। सही उत्तर, जो कि काला चश्मा का आवरण, यानी काला चश्मा का प्रयोग करना चाहिए। आर्क वेल्डिंग करते समय कुछ अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं जो अत्यधिक हानिकारक होती हैं। इसकी सुरक्षा के लिए काला चश्मा आवरण आंखों में लगाया जाता है। अगला प्रश्न, प्राथमिक चिकित्सा के ABC का क्या दर्शाते हैं? सही उत्तर, जो कि एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, ये ABC का पूरा नाम होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, प्राथमिक चिकित्सा में जो है ABC एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन को दर्शाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि हैलोन अग्निशामक, यानी हैलोन फायर एक्सटिंग्विशर में इनमें से कौन सी सामग्री भरी जाती है? सही उत्तर, ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो मेथेन भरी जाती है। चलिए पूरी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि हैलोन अग्निशामक में ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो मेथेन पदार्थ भरी जाती है। इस प्रकार के यंत्र का उपयोग सामान्यतः सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। विशेष तौर पर इस अग्निशामक का प्रयोग विद्युत उपकरण में किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, 5S अवधारणा, यानी 5S कॉन्सेप्ट का दूसरा चरण क्या है? आप सभी को बताना है, जो कि आपका होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, यानी क्रमबद्ध व्यवस्था, ये दूसरा चरण आपका होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, 5S अवधारणा एक जापानी शब्द का समाकलन है और कौशल प्रशिक्षण के अंतर्गत S अक्षर के प्रारंभ होने वाले शब्द जो कि निम्नलिखित प्रकार के हैं। जैसे कि जापानी में आपका सीरी होता है, यहीं पर इंग्लिश में जो होता है शॉर्ट होता है, हिंदी में जो होता है आपका छटनी होता है। सेकंड पर आप देख सकते हैं सिस्टेशन, और अपना इंग्लिश में जो होता है सेट इन आर्डर, यानी क्रमबद्ध, यानी क्रम निर्धारण। और आप बात कर लेते हैं सिस्को, सिस्को जापानी भाषा में साइन होता है इंग्लिश में, और चमकाना हिंदी में होता है। अब चौथा जो होता है यहाँ पर होता है सिस्को, ये इंग्लिश में जो होता है स्टैंडर्डाइजेशन, और हिंदी में जो होता है मानवीकरण। यहाँ पर पांचवें में देख सकते हैं सिस्को, क्या बोलते हैं इसे आप देख लेना, यहाँ पर इंग्लिश में सस्टेन, इसमें कायम रखना, ये आप जरूर याद रखें दोस्तों। चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, यहाँ से एक आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज डेड डैश है? सही उत्तर, जो कि 1.602×10⁻⁴ का कूलाम, 19 कूलाम होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इलेक्ट्रॉन पर जो होता है ऋण आवेश होता है, जो कि इस पर ऋण का आवेश होता है 1.6×10⁻⁴ होता है। प्रोटॉन पर जो होता है धनावेश होता है, जो कि 1.6×10⁻¹ होता है। न्यूट्रॉन जो होता है आपका उदासीन, यानी आवेशहीन होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प परमाणु का केंद्रीय भाग है? सही उत्तर, नाभिक जो है परमाणु का जो है केंद्रीय भाग होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, परमाणु यानी एटम, परमाणु मूल रूप से वैद्युतिक उदासीन प्रवृत्ति का होता है। इसका केंद्रीय भाग नाभिक होता है, जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं। वही इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में अनवरत चक्कर लगाते हैं। नाभिकों की त्रिज्या जो है 10⁻¹⁵ के क्रम में होती है। नाभिक की खोज 1911 ईस्वी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। अगला प्रश्न,
इलेक्ट्रॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है इसमें कौन सा कथन गलत है। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यह सभी परमाणुओं का एक मूल घटक है। ये बिल्कुल सही है। यह एक नकारात्मक चार्ज किया गया कण है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। और मैं आपको यह बता दूँ, यह कैथोड किरणों का एक घटक है। ये भी सही है। जबकि आपका जैसा कि ऑप्शन नंबर सी जो होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, ये गलत है। ये बिल्कुल गलत है। जो कि प्रोटॉन का होता तो यहाँ पर आप जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूरी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, जो कि यह एक ऋणात्मक आवेश यानी 1.6×10^-19 कूलाम होता है। इसका भार प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से कम होता है। यह सभी परमाणुओं का मुख्य घटक होता है तथा इसकी संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। यह सीआरओ का भी एक मुख्य घटक है जो कैथोड से त्वरित होता है तथा इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. सैमसन द्वारा सन 1897 में की गई थी। अगला प्रश्न, यदि परमाणुओं में समान विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रॉनों के लिए बंधुता है तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के आबंध की सबसे अधिक संभावना है? सही उत्तर सहसंयोजी आबंध। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ पूरी जानकारी, जो कि सहसंयोजी आबंध जो होते हैं, ये सहसंयोजी आबंध दो परमाणुओं के समान अच्छे बराबर यानी इलेक्ट्रॉन के भाग लेने पर बनता है। इस प्रकार के बंध में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन के युग्म को आबंध युग्म कहा जाता है। अर्धचालक पदार्थों में समानता सहसंयोजी आबंध होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, धात्विक आबंध जो होता है, ये धातु में पाए जाते हैं। आयनी आबंध या जो है वह स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जो विपरीत आवेशित आयनों को एक साथ बांधे रखता है, आयनिक आबंध कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल का प्रकार नहीं है? आपको बताने इसमें कौन सा फाइल का प्रकार नहीं है। जबकि आपका स्क्वायर फाइल होती है, त्रिकोणीय फाइल होती है, सपाट फाइल होती है, जबकि आपका आयताकार फाइल नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, ऑटोमेटिक बिजली की प्रेस का थर्मोस्टेट निम्नलिखित के अनुसार कार्य करता है। सही उत्तर जो कि तापमान के अनुसार कार्य करता है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ अगला प्रश्न जो है, जो कि सुपर नियमल तारों का गेज डेड डैश द्वारा मापा जाता है। सही उत्तर वायर गेज यानी तार गेज द्वारा मापा जाता है। देख लेते हैं, सुपर नियमल तारों का गेज द्वारा तार गेज द्वारा मापा जाता है। पतले तारों का गेज स्क्रू गेज से मापा जाता है। लकड़ी की वस्तुओं में छिद्र करने के लिए हस्त ड्रिल का उपयोग करते हैं। इस्पात रूल का प्रयोग मार्किंग कार्य में लंबाई मापने हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न, तारों के रोधन यानी इंसुलेशन को सामान्यतः डेड डैश द्वारा हटाया जाता है। सही उत्तर जो कि तार स्टीपर द्वारा हटाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं, तारों के रोधन यानी इंसुलेशन को सामान्यतः तार स्टीपर यानी वायर स्टीपर द्वारा हटाया जाता है। पाइप रिंच का प्रयोग कंड्यूट तथा जीआई पाइप सॉकेट आदि कसने तथा खोलने में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है, अगर टानन शाह के दांत घिस गए हों तो उन्हें तेज करने के लिए क्या करेंगे? सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो कि इसे त्रिभुजाकार फाइल से घिसना चाहिए। ये इसका उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि अगर टैनन शाह के दांत घिस गए हों तो उन्हें तेज करने के लिए त्रिभुजाकार फाइल से घिसना चाहिए। अगला प्रश्न, चलिए देखिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि दिए गए परिपथ में ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है। जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये दोनों आपके सीरीज में जुड़े हैं, तो इस प्रकार 1-1-2 ओम हो जाएगा जो कि सीरीज में जुड़ जाएगा। फिर इसके साथ आपको इसके साथ समांतर में जोड़ लेना है, 1/2+1/1 यहाँ पर, यानी आपका हो जाएगा जो कि 3/2 यानी 3/2 यहाँ पर आ जाएगा। 3/2 आने के बाद फिर इसके साथ आपको इसके साथ समांतर में जोड़ लेंगे, जो कि यहाँ पर 3/2 हो गया तो 2/3 यहाँ पर 3 आ जाएगा। इस प्रकार करेंगे, 2/3 आ गया, 2/3 आने के बाद फिर इसके साथ समांतर में जोड़ लेंगे तो इस प्रकार यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पर 5/3 यहाँ पर इसे भाग देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न हमारा दिया गया, दो तारों का प्रतिरोध समान यानी सीरीज में जुड़ा होने पर 25 ओम और समांतर में जुड़ा होने पर 6 ओम है, तो आपको बताना इसमें से क्या सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हमें निकालना है जो कि समांतर और सीरीज में दोनों में जो प्रतिरोध दिया गया है इसे निकालना है, इसका प्रतिरोध दोनों का, चलिए दोनों तारों का। यहाँ पर हम देखते हैं जो कि दिया गया जो रेजिस्टेंस है R1 + R2 = 25 दिया गया है, दूसरा जो है यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार दिया गया, इसे दोनों को हल करेंगे दोनों समीकरण को, आपको R1 = 15 मिल जाएगा और R2 = 10 ओम मिल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सवाल पसंद यानी अच्छा लगा, मतलब समझ आया होगा। 3 ओम मान के 3 प्रतिरोध एक त्रिभुज के रूप में जुड़े हुए हैं, त्रिभुज के किन्हीं 2 शीर्षों के मध्य क्या प्रतिरोध होगा। चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे कि यहाँ पर 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस इस प्रकार जुड़े हैं जैसे कि त्रिभुज के रूप में, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों को पहले सीरीज में जोड़ेंगे तो इसके साथ फिर समांतर में जोड़ेंगे, 3 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा, यहाँ पर 1/6 + 1/3 इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो आ जाएगा यानी यहाँ पर वो लेंगे लासा लेंगे यहाँ पर जैसे कि 2 + 1 यानी आपका यहाँ पर आ जाएगा 3 यानी 2 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इस यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इस प्रकार आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया जैसा कि इस प्रकार प्रश्न है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक तार संश्लेषी बहुलक से बंधे रोधन से लेबल किया हुआ उच्च ऊष्मारोधी और गैसोलीन प्रतिरोध के लिए नायलॉन विलेपन युक्त तारों का क्या लेबल होगा। यहाँ पर आपका सही उत्तर है जो कि ऑप्शन नंबर सी जैसे कि XHHN इसका राइट आंसर है। यहाँ पर हम देखते हैं इसका पूरा क्या काम है, एक तार संश्लेषित बहुलक से बने रोधन से लेबल किया हुआ उच्च ऊष्मारोधी है और गैसोलीन प्रतिरोध के लिए नायलॉन विलेपन युक्त होता है, उन तारों पर XHHN लेबल लगा होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत नली ग्रीन फील्ड के नाम से भी जाना जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए फ्लेक्सिबल मेटल कंड्यूट को जाना जाता है। एक बार फिर से आपको बताते हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबल मेटल कंड्यूट को ग्रीन फील्ड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक केबल को भौतिक नुकसान से बचाता है, आप सभी को पता होगा जो कि आर्मर होता है, आर्मरिंग, आर्मर विद्युत केबल को भौतिक नुकसान से बचाता है, आर्मर स्टील का बना होता है, यह केबल को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है। अगला प्रश्न, एफ श्रेणी इंसुलेटर का प्रतिबंधक मान यानी तापमान डेड है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि एफ का 155 होता है, यहाँ पर आपका एच का 180 होता है और यहाँ पर जो ए का होता है 105 होता है और बी का जो होता है यानी आपका ई का जो होता है 120 होता है, इस प्रकार आप सभी मान याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, जैसे कि 1000 वाट की विद्युत प्रेस यानी आयरन प्रति 2 दिन घंटे के लिए यानी प्रति दो घंटे के लिए काम कर रही है, यदि विद्युत की दर जो है 2 रुपये प्रति यूनिट है तो जनवरी महीने के लिए विद्युत प्रेस का आयरन यानी इलेक्ट्रिक बिल का योगदान कितना होगा। यहाँ पर आपका वाट दिया गया है और 2 प्रति यूनिट दिया गया है और जनवरी में आपके 31 दिन होते हैं, तो यहाँ पर दोनों को सब कुछ रख देंगे, यहाँ पर 2 घंटे जल रहा तो 2 का गुणा कर देंगे और 2 यूनिट है तो 2 का गुणा करेंगे, फिर एक जनवरी का महीना लिखेंगे, फिर 1000 से भाग देंगे तो 1000 से 1000 कट जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 124, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा अपने प्रारंभिक मान की 16 गुनी हो गई हो तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा निश्चित रूप से आरंभिक मानक की डैश हो जाएगी। सही उत्तर जो कि 4 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर हम देख लेते हैं जो कि यदि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा अपने प्रारंभिक मान की 16 गुनी हो गई हो तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा निश्चित रूप से प्रारंभिक मानक की 4 गुना हो जाएगी, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि आपको यहाँ पर बता दूँ, 40 मिली एम्पियर की करंट रेटिंग के साथ 470 ओम प्रतिरोध की पावर रेटिंग क्या है।
आपको सालों करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, धारा दी गई है और रेजिस्टेंस दिया गया है। आपको पावर यानी पी बराबर निकालना है। पी बराबर आपको जैसे कि फार्मूला होता है वी स्क्वायर, यानी पी बराबर आई स्क्वायर आर होता है। यानी जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, फार्मूले पर मान रखेंगे तो आप सॉल्यूशन करेंगे यानी कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी 0.75 वाट इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक लघु पथित संधारित यानी शॉर्टेड कैपेसिटर का वोल्टेज डेड डैश होता है। सही उत्तर जो कि शून्य होता है। एक लघु पथित यानी शॉर्टेड कैपेसिटर का वोल्टेज शून्य होता है। कैपेसिटर के लघु पथित होने का तात्पर्य कैपेसिटर के दोनों प्लेटों को आपस में शॉर्ट सर्किट होना। शॉर्ट सर्किट यानी लघु पथित होने के कारण आवेश का मान शून्य हो जाएगा, परिणाम स्वरूप वोल्टेज का मान भी शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, डेड डैश कहता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में वोल्टेज ड्रॉप का योग लगाए गए टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। सही उत्तर जो कि किरचॉफ का दूसरा नियम ये होता है। किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है कि प्रत्येक बंद परिपथ के वोल्टेज ड्रॉप का योग लगाए गए टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है, जो कि इस प्रकार होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मूला भी। अगला प्रश्न, क्या बिजली के तार स्टैंड के फ्रैक्चर का कारण बनता है? सही उत्तर जो कि अत्यधिक ऐंठन इसका कारण बनता है। अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि एक बिंदु जिस पर दो या दो से अधिक परिपथ घटक जैसे प्रतिरोधक कैपेसिटर प्रतिच्छेदन होता है तो उसे डेड डैश के रूप में जानते हैं। सही उत्तर नोड के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न, यदि अधिकतम वोल्टता 23√2 वोल्ट है तो एक जय तरंग के शिखर गुणक का मान क्या है? जैसा कि यहाँ पर अधिकतम वोल्टता जो है यहाँ पर दिया गया है 23√2 और वर्ग माध्य मूल मान बराबर फार्मूला होता है Vm/√2। यहाँ पर मान रखेंगे जो कि इस प्रकार मान रख के इसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि शिखर गुणांक बराबर अधिकतम मान बटे RMS मान। अधिकतम मान यहाँ पर दिया गया है और RMS मान आपका यहाँ पर देख सकते हैं रख देंगे जो कि इस प्रकार है। यहाँ पर भाग दे देंगे तो आपका 1.414 यानी आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न इस प्रकार है, जैसे कि साइनोसोइडल करंट का RMS मान डेड डैश होता है। सही उत्तर जो कि 0.707 होता है। देखते हैं यहाँ पर साइनोसोइडल धारा का वर्ग माध्य मूल मान 0.707 या यहाँ पर 1/√2 IM होता है, जबकि साइनोसोइडल पूर्ण तरंग की औसत मान सदैव शून्य होती है, इसलिए केवल अर्धचक्र की RMS मान ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न, एक साइकिल में अधिकतम मान वाली जय तरंग का औसत मान क्या होगा? सही उत्तर जो कि 0 होगा। एक साइकिल में अधिकतम मान वाली जय तरंग का औसत मान शून्य होता है, इसलिए जय तरंग की औसत मान गणना सदैव अर्ध साइकिल के लिए परिकलित की जाती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यदि औसत मान ज्ञात हो तो डेड डैश की गणना द्वारा RMS मान ज्ञात किया जाता है। सही उत्तर जो कि 1.11 औसत मान होता है। यहाँ पर हम देखते हैं औसत का मान ज्ञात हो तो RMS मान 1.11 औसत मान होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि फॉर्म फैक्टर बराबर RMS मान बटे औसत मान या जय तरंग यानी साइनसोइडल के लिए फॉर्म फैक्टर जो होता है 1.11 होता है, इसलिए RMS मान बराबर 1.11 औसत मान होता है। अगला प्रश्न, एक ज्यावक्री तरंग के रूप में के लिए प्रभावी वोल्टता का मूल्य डेड डैश है। सही उत्तर जो कि Vmax/√2 होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे कि यदि अधिकतम वोल्टता Vm है तो वर्ग माध्य मूल मान यहाँ पर आपका दिया गया Vm/√2 होता है, जो कि इसका जो इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपका या तो आप इसे इतना बोल लें या तो आप 0.707 Vm बोल सकते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर आर्गन रिले आपको बताना है, इसमें से क्या सही उत्तर है? सही उत्तर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो कि आर्गन रिले जो होती है बिजली बंद होने के बाद अपने संपर्क को स्थान पर बनाए रखते हैं, ये इसका राइट आंसर है। एक बार फिर से आपको रिकॉल करवाता हूँ, जैसे कि आर्गन रिले बिजली बंद होने के बाद अपने संपर्क को स्थान पर बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न, परिपथ को डेड डैश से सुरक्षित रखने के लिए ELCB का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर
क्षरण धारा यानी लीकेज करंट से सुरक्षा के लिए रखा जाता है ईएलसीबी को। ईएलसीबी के कुछ कार्य देख लेते हैं जो कि इस प्रकार हैं, जैसे कि परिपथ को क्षरण धारा से सुरक्षित रखने के लिए ईएलसीबी का प्रयोग किया जाता है। धात्विक खोल युक्त वैद्युतिक उपकरणों, यंत्रों व मशीनों आदि में यदि सजीव चालक यानी लाइव कंडक्टर आंशिक रूप से धात्विक खोल को स्पर्श करने लगे तो लीकेज धारा के कारण ऑपरेटर को गंभीर विद्युत झटका लग सकता है। तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने वाली युक्ति जो होती है ईएलसीबी यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, यहाँ पर हम देखते हैं जो कि समानता सर्विस नहीं किया जाने वाला परिपथ वियोजक है। राइट आंसर जो कि लघु रूपी परिपथ वियोजक यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ये आपका होता है। यहाँ पर हम देखते हैं लेड एसिड सेल यानी सीसा एसिड सेल की धनात्मक प्लेट डेड डैश से बनी होती है। सही उत्तर लेड डाइऑक्साइड से बनी होती है। सीसा एसिड यानी लेड एसिड की धनात्मक प्लेट जो होती है लेड ऑक्साइड से बनी होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया निकल आयरन सेल का विद्युत अपघट्य कैसा होता है। सही उत्तर जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का 21% विलयन होता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो कि सेल का अपघट्य सारणी जो होती है, सेल कितने प्रकार के होते, जैसे कि यहाँ पर दो प्रकार दिए गए हैं। यहाँ पर लेड एसिड में आपका जो होता है तनु यानी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 जिसे कहते हैं। निकिल आयरन सेल में जो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसमें कि 21% यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहता है और दूसरा जो है लिथियम हाइड्रोक्साइड 76% रहता है। इसलिए आप इसे याद रख सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न निकल काडमियम बैटरी में धनात्मक प्लेट में निम्न में से कौन सी अभिक्रियाशील सामग्री होती है। सही उत्तर जो कि निकिल हाइड्रोक्साइड होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ निकिल काडमियम बैटरी में धनात्मक प्लेट में निकिल हाइड्रोक्साइड सामग्री होती है जबकि ऋणात्मक जो है यहाँ पर फेरस हाइड्रोक्साइड होती है। इस बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग में लिया जाता है। अगला प्रश्न धनात्मक प्लेट पर घटने वाली निम्न विसर्जन अभिक्रिया का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पर आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो पूर्ण कर रही है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यह एक क्षारीय बैटरी का उदाहरण है, इस प्रकार की बैटरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग लेते हैं। इस सेल को एनोड तथा कैथोड क्रमशः जैसे कि कैडमियम तथा निकिल हाइड्रोक्साइड का बना होता है। अगला प्रश्न एक इलेक्ट्रोड पर गैसों का संचयन को डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर ध्रुवीकरण कहा जाता है। एक इलेक्ट्रोड पर गैसों का संचयन ध्रुवीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न लेड एसिड बैटरी की सल्फेशन को क्या कारण है। राइट आंसर अपूर्ण आवेशन होता है। लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन का कारण अपूर्ण आवेशन यानी पूरा चार्ज नहीं होता है। सल्फेशन का दोष सेल की दक्षता भी घटा देता है। अगला प्रश्न दिया गया है जो कि इस प्रकार है, जैसे कि यदि किसी तरल में दो सुवाहक प्लेटें डुबोई जाती हैं ताकि इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो तो इसे डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर इलेक्ट्रोड कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यदि किसी तरल में दो सुवाहक प्लेटें डुबोई जाती हैं ताकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो तो इसे इलेक्ट्रोड कहा जाता है। चालक में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में होता है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है लेड एसिड बैटरी की अभिभारण अति निर्वहन परिणाम स्वरूप डेड डैश होगा। सही उत्तर जो कि बकलिंग प्रभाव होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ लेड एसिड बैटरी के अभिभारण अतिभारण और अंतर्निर्वहन परिणाम स्वरूप बकलिंग प्रभाव होगा। लेड एसिड बैटरी एक संचायक बैटरी होती है। इसमें धनात्मक इलेक्ट्रोड तथा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड और अपघट्य के लिए अशुद्ध जल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि लेड एसिड सेल की तुलना में निकिल लोहे से बने सेल डेड डैश होता है। सहोत्तर की दक्षता कम होती है। जैसा कि लेड एसिड सेल की तुलना में निकिल लोहे से बने सेल की दक्षता कम होती है क्योंकि लेड एसिड सेल की अपेक्षा निकिल लौह सेल की आंतरिक प्रतिरोध अधिक होने के कारण हानियां अधिक हो जाती हैं। इसलिए यहां पर दक्षता प्रोपोर्शनल 1/5 हानियां होती हैं जो कि लेड एसिड सेल की जो
यहाँ पर वोल्टेज होती है 2 वोल्ट होता है, जो कि निकिल आयरन सेल का जो होता है यहाँ पर 1.2 वोल्ट होता है विद्युत वाहक बल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बैटरी इमरजेंसी लाइट में उपयोग किया जाता है? सही उत्तर, लेड एसिड बैटरी का प्रयोग हम करते हैं। अगला है, एक टेस्ला डेड डैश के बराबर होता है, यानी एक टेस्ला किसके वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है? सही उत्तर, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए 1 होता है, एक टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर के तुल्य होता है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है, यहाँ पर आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न, एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में चालक के संचालन के कारण प्राप्त प्रेरित ईएमएफ को क्या कहा जाता है? सही उत्तर, जो कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ कहा जाता है। स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में चालक के संचलन यानी घूर्णन के कारण उसमें प्रेरित ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल को गतिशील प्रेरित ईएमएफ कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि इस प्रकार है, जैसे कि चुंबकीय अभिवाह के सृजन का विरोध डेड डैश होता है। सही उत्तर, प्रतिष्ठंभ यानी रिलक्टेंस होता है, जो कि चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय अभिवाह यानी फ्लक्स के प्रवाह में विरोध करने वाले चुंबकीय गुण को प्रतिष्ठंभ यानी रिलक्टेंस कहते हैं। चुंबकीय अभिवाह विद्युत परिपथ में धारा का समकक्ष है। अगला प्रश्न, प्रतिष्ठंभ के अन्योन को डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर आपका है, जो कि चुंबक व्याप्ता कहा जाता है। प्रतिष्ठंभ के अन्योन को चुंबक व्याप्ता कहते हैं, इसका मात्रक जो है प्रति हेनरी होता है, और जिस प्रकार के विद्युत परिपथ में विरोधी प्रतिबाधा प्रतिरोध होता है उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में विरोधी प्रतिबाधा प्रतिष्ठंभ होती है। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति की इकाई क्या है? सही उत्तर, एम्पियर घूर्णन प्रति मीटर होती है। जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो है एम्पियर घूर्णन प्रति मीटर होता है, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक द्वारा स्थापित प्रभाव को दर्शाता है। साथ ही ज्ञात रहे प्रत्येक चुंबक में 2 ध्रुव सदैव रहते हैं, जिसका पहला ध्रुव तथा दूसरा ध्रुव, पहला ध्रुव जो होता है उत्तर, दूसरा ध्रुव जो होता है दक्षिण होता है। अगला प्रश्न, फ्लक्स डेंसिटी को परिभाषित की जाती है। सही उत्तर, फ्लक्स बटे एरिया से परिभाषित करते हैं। फ्लक्स डेंसिटी फ्लक्स प्रति एरिया से परिभाषित होती है, इसका मात्रक जो होता है टेस्ला या आप प्रति वेबर प्रति मीटर से इसे इसका मात्रक होता है, जबकि विभाग ने यहाँ पर बी माना है, जो कि एरिया प्रति फ्लक्स होता है, जबकि आपका ऑप्शन नंबर सी ए फ्लक्स बटे एरिया होता है। अगला प्रश्न, एक प्रत्यावर्ती ईएमएफ को गणितीय रूप से साइन 200 sin 314 t द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो आवृत्ति का मान क्या होगा? चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जो कि फार्मूला आपका यहाँ पर होता है, जो कि 2 pi f बराबर यहाँ पर 314 दिया गया, जो कि ओमेगा बराबर 314 है, तो ओमेगा के स्थान पर 2 pi f रखते हैं, फिर यहाँ पर पूरा मान रख के जो कि यहाँ पर फ्रिक्वेंसी निकालेंगे तो आपका 50 हर्ट्ज आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारे सवाल पसंद आ रहे होंगे। अगर ये सारे सवाल पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि ये सभी तक वीडियो पहुंच पाए और सभी यहाँ से तैयारी कर सकें, क्योंकि दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको लगभग जल्दी पेड ही क्लास में मिलते होंगे, फ्री क्लास में तो कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें बनाने में इतने क्वेश्चन आपको काफ़ी टाइम लगता है, और पढ़ाते ही जो पढ़ाते हैं इसे सिर्फ पेड में पढ़ाते हैं, ऐसा बाहर किसी को नहीं पढ़ाया जाता, जो सरल सरल होता है वही बाहर पढ़ाते हैं, इस तरह के प्रश्न सिर्फ पेड में पढ़ाए जाते हैं। इसलिए आप मेरे मोटिवेशन के लिए आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जो कि मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, तो और मान लो इससे अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। चलिए, जैसे कि 3 चरण वाले संतुलित स्टार कनेक्शन के लिए निम्न में से क्या सही है? सही उत्तर, जो कि लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज के बराबर होती है। यहाँ पर देख लेते हैं, स्टार कनेक्शन के लिए जो कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज की √3 गुना होती है, इसमें लाइन धारा जो होती है फेज धारा के बराबर होती है। संतुलित डेल्टा कनेक्शन के लिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं, जो कि लाइन वोल्टा फेज वोल्टा के बराबर होती है, यहाँ पर जो लाइन धारा होती है फेज धारा के √3 गुना होती है। अगला प्रश्न,
एक त्रिप्रवस्था धारावाही लाइन में एक संवाहक तार पर बैटरी चिड़िया डेड डैश है सहउत्तर, जो कि सुरक्षित रहती है। क्यों सुरक्षित रहती है यहाँ पर अभी हम देखते हैं। जैसे कि एक त्रिप्रवस्था यानी थ्री फेज लाइन के एक संवाहक कंडक्टर पर बैठी चिड़िया सुरक्षित रहती है क्योंकि धारा के प्रवाह के लिए बंद परिपथ की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, शुद्ध संधारित्र यानी प्योर कैपेसिटर में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है। सही उत्तर, वोल्टेज तरंग यानी वेव फॉर्म से 90 डिग्री आगे होती है, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है। सही उत्तर, जो कि 80% निकिल और 20% क्रोमियम होता है इसमें। अगला प्रश्न, नाइक्रोम डेड डैश में व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है। सही उत्तर, जो कि हीटर कुंडली क्वाइल प्रकार का होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो कि नाइक्रोम हीटर कुंडली क्वाइल में व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है। नाइक्रोम सामान्यतः निकिल तथा क्रोमियम का बना होता है। नाइक्रोम के अधिक प्रतिरोधी गुण के कारण इसे हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रचलन में लाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी तांबे की विशेषता नहीं है। सही उत्तर, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जैसे कि क्रॉस अनुभागीय क्षेत्र को कम करके यह अपनी तन्य शक्ति खो देता है, यही आपकी विशेषता नहीं है। जबकि यहाँ पर मैं और पॉइंट बता देता हूँ जो कि इसका उच्च स्क्रैप मूल्य है और यह चांदी की बाद सबसे अच्छा कंडक्टर है, ये भी सही है। यह वायुमंडलीय जंग के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी है। ये तीनों आपके सही हैं जबकि ऑप्शन नंबर ए आपका सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है इस प्रकार, जैसे कि नाइक्रोम की तापीय चालकता क्या है। सही उत्तर, जो कि 11.3 जो कि होती है। चलिए अगला प्रश्न, उच्चतम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ को पहचानना आपको, जैसे कि टंगस्टन ये आपका उच्चतम प्रतिरोध वाला पदार्थ होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जैसे कि दिया गया है यहाँ पर उच्चतम प्रतिरोध वाला जो पदार्थ यानी जैसे कि कहीं ना कहीं चालकों के श्रेणी क्रम में वर्गीकृत किया गया, जिनमें चालकता क्रम चांदी सबसे ज़्यादा होती है इसकी चालकता, और तांबा का दूसरा होता है, एल्युमिनियम का यानी इसके बाद तांबा के बाद आपका एल्युमिनियम यानी सोना आता है, सोना के बाद एल्युमिनियम आता है, एल्युमिनियम के बाद आपका कंडक्टर आता है। अतः इसमें सबसे उच्चतम प्रतिरोधकता वाली होती है जो कि यहाँ पर दिया गया है टंगस्टन सबसे कम होता है, उच्चतम प्रतिरोधकता वाली होती है। अगला प्रश्न, औद्योगिक भट्टियाँ जहाँ तापमान स्थिर होता है वहाँ चाहिए कि तापन अवयव के लिए कौन सा पदार्थ उचित है। सही उत्तर, यूरेका उचित होता है। औद्योगिक भट्टियों में जहाँ स्थिर तापमान की आवश्यकता होती है वहाँ यूरेका अवयव, इसका ताप गुणांक बहुत कम होता है, अर्थात जहाँ तापी परिवर्तन एक हद तक सहनशीलता की आवश्यकता होती है वहाँ यूरेका वास्तव में 55% तथा निकिल जो है 45% का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बल्ब का प्रतिरोध सबसे कम होगा। सही उत्तर, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ R=V²/P होता है, यहाँ पर सभी पर मान रख के आप निकाल सकते हैं तो यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा 115 वोल्ट और 100 वाट, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आप निकाल लेना। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं जो कि हमारा अगला प्रश्न है, धारिता की इकाई क्या है। सही उत्तर, धारिता की जो इकाई होती है जो कि यहाँ पर फैरड होती है, लेकिन यहाँ पर फैरड दी नहीं गई है तो यहाँ पर इसमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर है। चलिए, धारिता की इकाई फैरड होती है, प्रतिरोध की इकाई ओम होती है तथा विभवांतर की इकाई वोल्ट होती है, धारा की इकाई एम्पियर होती है, ये सभी मात्रक जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, एक कंडेंसर में 280 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर 4.4 एम्पियर धारा लेता है तो कंडेंसर का मान क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। XC=, यहाँ पर आपको फार्मूला बता दूँ, IC होता है, यहाँ पर वोल्टेज दिया गया 280, धारा दी गई, फ्रिक्वेंसी दिया गया, मान रख देंगे यहाँ पर निकल कर आ जाएगा जो कि यहाँ पर XC= आपका निकल कर आ जाएगा 63.63। XC= आने के बाद यहाँ पर 1/2πfc फार्मूले पर रखेंगे जो कि आपकी फ्रिक्वेंसी दी गई है, और यहाँ पर देख सकते हैं पाई का मान रखेंगे, सी का मान यहाँ पर जो कि निकालना है, यहाँ पर XC का पूरा मान रख के यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा जो कि 50 माइक्रोफैरड, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न इस प्रकार है जो कि मैं आपको बता दूँ, अर्थ बिंदु से जुड़ी वस्तु को डेड डैश कहा जाता है।
सही उत्तर अर्थड वस्तु कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थिंग सिस्टम का घटक नहीं है? सही उत्तर फ्यूज जो है अर्थिंग सिस्टम का घटक नहीं है। अर्थ इलेक्ट्रोड, अर्थिंग लीड का अर्थ निरंतरता कंडक्टर होती है। अगला प्रश्न, सामान्य भू संहति से वैद्युतीय संपर्क संपर्कित धातु पट्टिका नालिका अथवा चालकों के अभ्यूह को डेड डैश कहते हैं। सही उत्तर भू टर्मिनल कहते हैं। सामान्य भू संहति से विद्युत धातु पट्टिका नालिका अथवा चालकों के अभ्यूह को भू टर्मिनल कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है भू संपर्कन यानी अर्थिंग निरंतरता यानी अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का अनुशासित आकार है। सही उत्तर जो कि 14 SWG से कम नहीं होना चाहिए। अर्थ यानी अर्थिंग कंटिन्यूटी कंडक्टर का अनुशासित आकार जो है 10 SWG से अधिक नहीं होना चाहिए और 14 SWG से कम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, अर्थवायर का अनुमत न्यूनतम आकार क्या है? सही उत्तर 10 SWG होता है न्यूनतम। अगला प्रश्न, किसी धातु की प्लेट, पाइप या अन्य चालक को विद्युतीय रूप से अर्थ के सामान्य द्रव्यमान से जुड़े होते हैं उन्हें डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर अर्थ इलेक्ट्रोड कहा जाता है। जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ किसी धातु की प्लेट, पाइप या अन्य चालक जो विद्युतीय रूप से अर्थ सामान्य द्रव्यमान से जुड़े होते हैं उन्हें अर्थ इलेक्ट्रोड कहा जाता है। प्लेट अर्थिंग का प्रयोग सब स्टेशन में किया जाता है। अगला प्रश्न, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का अनुप्रस्थ काट का या तो mm² या इंस्टॉलेशन कंडक्टर का आकार के आधे से कम नहीं होना चाहिए। सही उत्तर 2.9 से कम नहीं होना चाहिए। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का अनुप्रस्थ काट या तो 2.9 mm² या इंस्टॉलेशन कंडक्टर आकार के आधे से कम नहीं होना चाहिए। यह कंडक्टर सामान्यतः कॉपर का बनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ निम्नलिखित में से कौन सा इंगित नहीं करेगा कि परिपथ वायरिंग निरंतर है या नहीं? सही उत्तर जो कि आवृत्ति मीटर इंगित नहीं करेगा कि परिपथ यानी आपका निरंतर यानी कंटिन्यूटी इसमें आ रही है कि नहीं, ये आपका नहीं करेगी। जबकि मल्टीमीटर होता, घंटी होता, बजर, ये सभी आपको करेंगे। यहाँ पर आपको फिर से एक बार बता दूं जैसे कि आवृत्ति मीटर इंगित नहीं करता है कि परिपथ वायरिंग में निरंतर है या नहीं, क्योंकि वह आवृत्ति मीटर वायरिंग परिपथ में नहीं लगाया जाता है। अगला प्रश्न, किसी विद्युतीय मशीनरी में विद्युतीय विभिन्न भागों को शून्य विभव पर रखने के लिए उन्हें डेड डैश से कम करना आवश्यक है। सही उत्तर जो कि भू संपर्कित यानी अर्थिंग करना आवश्यक होता है। किसी विद्युत मशीनरी के विभिन्न भागों को शून्य विभव पर रखने के लिए उन्हें भू संपर्कित करना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न, यदि विद्युत उपकरणों में प्रवेशित और परिपथ चालकों के साथ इससे निकलने वाली विद्युत धारा का मान डेड डैश से अधिक हो जाता है तो उसे भू संपर्क दोष, परिपथ रोधक यानी फॉल्ट सर्किट इंडक्टर्स परिपथ को बाधित कर देता है। सही उत्तर जो कि 5, यहाँ पर आप आ जाएगा 5 mA इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से आपको बताते हैं, जैसे कि यदि विद्युत उपकरणों में प्रवेशित तथा परिपथ चालकों के साथ इससे निकलने वाली विद्युत धारा का मान 5 mA से अधिक हो जाता है तो भू संपर्कन दोष परिपथ रोधक परिपथ को बाधित कर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी 1956 के अनुसार प्रत्येक विद्युतमय चालक और भू संपर्कन के बीच 1 मिनट की अवधि के लिए लगाए गए 500 वोल्ट के वोल्टेज पर माध्यम और निम्न वोल्टेज वाले इंस्टॉलेशन का विद्युत रोधन प्रतिरोध कम से कम डेड डैश होगा। इसका सही उत्तर होगा जो कि 1 MΩ होगा, कम से कम 1 MΩ होगा। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी 1956 के अनुसार प्रत्येक विद्युतमय चालक और भू संपर्कन यानी अर्थिंग के बीच 1 मिनट की अवधि के लिए लगाए गए 500 वोल्ट के वोल्टेज पर माध्यम और निम्न वोल्टेज वाले इंस्टॉलेशन का विद्युत रोधन प्रतिरोध कम से कम 1 MΩ होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि एक सभा कक्ष में निम्नलिखित स्थापन करने की आवश्यकता है 6 एम्पियर से 6 एम्पियर के 3 पिन वाले 8 सॉकेट और 40 वाली 10 ट्यूब लाइटें, 10 सीलिंग फैन, पंखे और 5 एग्जॉस्ट फैन सर्किटों की डेड डैश संख्या जरूरत पड़ेगी।
सही उत्तर आपका है जो कि चार की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो कि एक सभा कक्ष में निम्नलिखित संस्थापना करने के लिए आवश्यकता, यहाँ पर 6 एम्पियर के 3 पिन वाले 8 सॉकेट और 40 वाली 10 ट्यूब लाइटें और 40 वाट वाली 10 ट्यूब लाइटें और 10 सीलिंग पंखे और 5 एग्जॉस्ट फैन सर्किटों की संख्या 4 संख्या की जरूरत पड़ेगी। अगला प्रश्न दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत से वीडियो बनती है जो कि आप देख ही रहे होंगे। एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, जो कि इसको बनाने में आपको जानना होगा काफ़ी मेहनत पड़ती है, इसलिए आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए, घरेलू उपकरणों की वायरिंग के लिए सामान्य नियम के अनुसार परिपथ यानी सर्किट के सभी वितरण बोर्ड फ्लोर स्तर से ऊपर डेड डेड से अधिक ऊंचाई पर स्थापित नहीं किए जाने चाहिए। सही उत्तर, 2 मीटर से ऊपर नहीं स्थापित किए जाने चाहिए। घरेलू उपकरण की वायरिंग के लिए सामान्य नियम के अनुसार परिपथ यानी सर्किट में सभी वितरण बोर्ड फ्लोर स्तर से ऊपर 2 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थापित नहीं किए जाने चाहिए। अगला प्रश्न, BIS के अनुसार फर्श से स्विच बोर्ड की ऊंचाई डेड डैस है। सही उत्तर, 1.5 मीटर होती है। जैसे कि स्विच बोर्ड को फर्श तल से लगभग 1.5 मीटर ऊंचाई पर रखा जाता है। स्विच या कुंजी का उस यांत्रिक परिपथ के इच्छा अनुसार जोड़ने व तोड़ने में काम में लाया जाता है। अगला प्रश्न, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियमों के अनुसार किसी इंस्टॉलेशन में लीकेज करंट इंस्टॉलेशन को आपूर्ति की गई अधिकतम करंट के डेड डैश भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर 1/5000वें भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे कि किसी नई स्थापित वैद्युत वायरिंग में सप्लाई चालू करने के से पूर्व मेगर नामक यंत्र द्वारा करंट लीकेज परीक्षण अवश्य करना चाहिए। लीकेज करंट का मान परिपथ की कुल करंट का 1/5000वें अंश से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, घरेलू तार स्थापन के लिए डेड डैश तक के भार को प्रवाहित करने वाले तारों का चयन करना चाहिए। सही उत्तर, 5 किलोवाट के तक के भार को प्रवाहित करने वाले तारों का चयन करना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर धारती फिल्टर युक्त एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज और AC आपूर्ति की जुड़ा है तो डेड डैश संधारित यानी कैपेसिटर टर्मिनलों के बीच आउटपुट वोल्टेज लगभग डेड डैश है। सही उत्तर जो कि 200√2 आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर कैपेसिटर के टर्मिनलों के बीच आउटपुट वोल्टेज अधिकतम वोल्टेज होगा, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं, इस प्रकार दिया गया है, VRMS यानी VM बराबर VRMS√2 होता है। यहाँ पर मान रख देंगे जो कि आपका हो जाएगा। देख लेते हैं जो कि DC वोल्टेज स्रोत से संयोजित शुद्ध प्रेरक स्थिर अवस्था में एक डेड डैश जैसा व्यवहार करेगा। सही उत्तर, शॉर्ट सर्किट परिपथ की तरह व्यवहार करेगा। DC वोल्टेज स्रोत से संयोजित शुद्ध प्रेरक स्थिर अवस्था में एक शॉर्ट सर्किट यानी लघु पथित परिपथ जैसा व्यवहार करता है, क्योंकि DC स्रोत की आवृत्ति जो है शून्य होती है। DC में कोई आवृत्ति नहीं होती, जबकि AC में आपकी 50 हर्ट्ज आवृत्ति होती है इंडिया में। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब कैपेसिटर को DC यानी संधारित्र को DC स्रोत से संयोजित किया जाता है तो वह स्थिर अवस्था में खुला परिपथ की तरह व्यवहार करता है, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, निष्क्रिय फिल्टर में निष्क्रिय तत्वों से बना होता है जैसे। सही उत्तर, जो कि कैपेसिटर जो है निष्क्रिय तत्वों से बना होता है। निष्क्रिय फिल्टर निष्क्रिय अवयव कैपेसिटर से बना होता है। निष्क्रिय फिल्टर्स में निष्क्रिय अवयव के रूप में कैपेसिटर तथा इंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो कि फुल लोड पर संचालित हो रही सामान्य DC मशीनों में सबसे शक्तिशाली विद्युत चुंबक डेड डैश होती है। सही उत्तर, फील्ड वाइंडिंग होती है। जो कि फुल लोड पर संचालित हो रही सामान्य मशीनों में सबसे शक्तिशाली विद्युत चुंबक फील्ड वाइंडिंग होती है, क्योंकि इसमें ही फ्लक्स उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, एक DC मोटर में चुंबकीय फील्ड उत्पन्न करने वाली वाइंडिंग को डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर, फील्ड वाइंडिंग कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक DC मोटर में चुंबकीय फील्ड उत्पन्न करने वाली वाइंडिंग को फील्ड वाइंडिंग कहा जाता है।
मोटर वास्तव में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न, कॉइल को किसके चारों ओर वाइंड करके किसी कॉइल का फ्लक्स घनत्व बढ़ाया जा सकता है? सही उत्तर, आयरन कोर का बढ़ाया जा सकता है। कॉइल को आयरन कोर के चारों ओर वाइंड करके कॉइल का फ्लक्स घनत्व बढ़ाया जाता है, और क्योंकि अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ भी बढ़ेगा। आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव कम होगा और आर्मेचर यानी आर्मेचर प्रभाव ईएमएफ के मान को क्षति प्रदान करता है। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर का आर्मेचर किस लिए इल्यूमिनेटेड होता है? सही उत्तर, भंवर धारा यानी एडी करंट ह्रास को कम करने के लिए होता है। एडी यानी डीसी जनरेटर का आर्मेचर एडी करंट ह्रास को कम करना होता है। यह आर्मेचर कोर स्टील लेमिनेशन को ढेर से बना होता है। लेमिनेशन करने वाली सभी पत्तियों की जो मोटाई होती है 0.35 से लेकर 0.5 तक होती है। अगला प्रश्न, जनरेटर के आर्मेचर कोर में लेमिनेशन की मोटाई डैश डैश होती है? सही उत्तर, जो कि 0.35 मिलीमीटर से लेकर 0.5 मिलीमीटर होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जनरेटर में आर्मेचर कोर को एडी धारा हानि से बचाने के लिए लेमिनेटेड की जाती है। इसकी मोटाई जो है 0.35 मिलीमीटर से लेकर 0.5 मिलीमीटर रखी जाती है। अगला प्रश्न, एक कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है इसमें किसका कॉमन कलेक्टर में एम्पलीफायर का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर उच्च इनपुट अपघात स्रोत को निम्न आउटपुट अपघात भार से मैच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से आपको बताते हैं, जैसा कि एक कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का प्रयोग उच्च इनपुट प्रतिरोध स्रोत को निम्न आउटपुट प्रतिरोध भार से मैच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, कॉमन बेस एम्पलीफायर धारा गेन है? सही उत्तर, इकाई से कम होती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कॉमन बेस एम्पलीफायर की धारा गेन इकाई से कम होता है, तथा इसका फेज अंतर जो है इनपुट सिग्नल एवं आउटपुट सिग्नल 0 पर होता है, 0 डिग्री होता है। कॉमन इमिटर एम्पलीफायर का फेज अंतर जो है 180 डिग्री पर होता है। इस शैली में इनपुट सिग्नल इमिटर तथा बेस के बीच प्रदान किया जाता है और आउटपुट कलेक्टर तथा बेस से लिया जाता है। इस प्रकार बेस कॉमन रहता है। यह परिपथ उच्च आवृत्तियों पर एम्पलीफिकेशन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त रहता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जो कि डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर उपयोग किया जाता है। सही उत्तर, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ऑडियो फ्रिक्वेंसी के निम्न मान के एम्पलीफिकेशन के लिए और औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में डीसी वोल्टेज नियंत्रण के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री प्रकार के एम्पलीफायर परिपथों में और यहाँ पर सभी में आपका प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम करते हैं। एक बार फिर से आपको बता दूँ, जो कि डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर का उपयोग क्रमशः ऑडियो फ्रिक्वेंसी के निम्न मान के एम्पलीफिकेशन के लिए किया जाता है, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में डीसी वोल्टेज नियंत्रण के लिए किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रकार के एम्पलीफायर परिपथों में किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया, डीजल जनरेटर में सेट में उपयोग होने वाले लुब्रिकेंट तेलों का SAE नंबर क्या प्रदर्शित करता है? सही उत्तर, श्यानता को प्रदर्शित करता है। डीजल जनरेटर सेट में उपयोग होने वाले लुब्रिकेंट तेलों का SAE नंबर उसकी श्यानता यानी वेलोसिटी को दर्शाता है। श्यानता तेल की सघनता की माप है। अगला प्रश्न, डीसी जनरेटर की अभिभारित विशेषताओं चुंबकीय विशेषताओं अथवा खुली परिपथ विशेषताओं को संदर्भित करने के सही तरीके का चयन करें। सही उत्तर आपका, जो कि E0/IF होता है, यानी खुली परिपथ चुंबकीय विशेषताएं सदैव नो लोड वोल्टेज तथा फील्ड फ्लक्स यानी फील्ड धारा के मध्य बनाया जाता है। अतः विकल्प यहाँ पर आपका भी सही है। साथ ही जनरेटर में फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न, किसी जनरेटर की आउटपुट अभिलक्षण डेड डैश के बीच संबंध बताती है? सही उत्तर, टर्मिनल वोल्टेज तथा लोड करंट के बीच संबंध बताती है, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं। चलिए पूरी जानकारी आपको बताते हैं। जैसे कि
जनरेटर की आउटपुट अभिलक्षण टर्मिनल वोल्टेज तथा लोड करंट के मध्य खींचा जाता है, जो कि इस प्रकार खींचा गया है। और जनरेटर में यह एक्सटर्नल अभिलक्षण के नाम से भी जाना जाता है, जबकि इसके अतिरिक्त आंतरिक अभिलक्षण होता है जो नो लोड ईएमएफ एवं आर्मेचर धारा के मध्य खींचा जाता है। जनरेटर हेतु तीसरी अभिलक्षणिक ओपन सर्किट अभिलक्षण है जो चुंबकीय अभिलक्षण एवं नो लोड सैचुरेशन के मध्य खींचा जाता है, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, एक ट्रांजिस्टर में आमतौर पर परिवहन कारक यानी ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर का मान कितना होता है? सही उत्तर 0.995 होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर जो है इस फैक्टर में यह पता चलता है कि एमिटर जंक्शन में प्रवेश करने वाली मेजोरिटी वाहकों में कितने प्रतिशत वाहक बेस को पार करके कलेक्टर जंक्शन तक पहुँचाते हैं। अगला, यहाँ पर जैसे कि इस फार्मूले से देख सकते हैं दिया गया है, जो कि यहाँ पर हमेशा यानी आई पी ई बड़ा होता है आई यानी आई पी सी से हमेशा होता है, इसका परिवहन कारक एक से कम होता है, इस प्रकार आप जान सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों इस समय काफ़ी अच्छी वैकेंसी चल रही है, जो कि आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है RFCL का और GRSE का। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, इस इलेक्ट्रिशियन को देखकर चले जाना, एक भी प्रश्न आपका बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि हम हर तरह के प्रश्न सरल और हार्ड लेवल के दोनों प्रश्न लेकर चलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो कि आपको इस 2024 में निश्चित ही सिलेक्शन लेना है, जो कि इस समय काफ़ी भर्तियाँ चल रही हैं। और जैसे कि यहाँ पर सेल दुर्गापुर का एग्ज़ाम होने वाला है, ये अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपका मान लो पूरा सिलेक्शन निश्चित है, जो कि दुर्गापुर स्टील प्लांट में आपको जानते हैं इलेक्ट्रिशियन अच्छी खासी आती है, और हमने उसके लिए मान लो मैराथन क्लास ली है। अगर आप वो मैराथन क्लास 1 से 2 से 3 बार 13 तारीख तक देख लेते हैं तो मान लो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। और 7 तारीख को जो 3 यूनिट का यानी तीन मान लो 3 PSU का जो एग्ज़ाम होने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी कि IREL और आपका है RFCL, एक आपका है GRSE कुछ ऐसा है, तो इन तीनों PSU का मान लो एक ही दिन एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला, जो कि 7 तारीख को। दोस्तों आपको चूज करना है इसमें कौन सा आपको एग्ज़ाम देना है, क्योंकि आपको यहाँ पर तीनों का एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में पड़ गया, इसलिए आप अच्छे से एग्ज़ाम दे लें और यहाँ पर मैराथन पड़ी हुई है, वो मैराथन 2 से 3 बार देख लें, आपका सिलेक्शन निश्चित ही हो जाएगा। चलिए, डेड डैश एक ऐसा उपकरण है जो शक्ति प्रतिरोधात्रिक यानी पावर ट्रांजिस्टर से अतिरिक्त ऊष्मा को नष्ट करता है। सही उत्तर ऊष्मा अभिगम यानी हीट सिंक, ये इसका सही उत्तर है। हीट सिंक एक उपकरण है जो पावर ट्रांजिस्टर से अति ऊष्मा को नष्ट करता है। हीट सिंक के रूप में एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, SCR किससे बना होता है? सही उत्तर, जो कि सिलिकॉन से बना होता है। SCR 4 परत खंडों से निर्मित 3 टर्मिनल एनोड कैथोड गेट वाली युक्ति होती है, जो मुख्य रूप से सिलिकॉन से बनी होती है। इसकी संयोजकता जो है 4 होती है। अगला प्रश्न, डेड डैश के लिए इन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर, DC को AC में परिवर्तित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टर DC को AC में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टर की सहायता से DC को इच्छित वोल्टता की आवृत्ति की AC धारा शक्ति में रूपांतरित किया जाता है। चोपर की सहायता से DC वोल्टता उसे परिवर्तित DC वोल्टता प्राप्त की जाती है। साइक्लो कन्वर्टर की सहायता से AC प्रदाय से यानी AC करंट से विभिन्न आवृत्ति की AC वोल्टताएँ प्राप्त की जाती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध DC मोटर के बारे में सत्य है? आपको बताना है इसमें कौन सत्य है। सही उत्तर, पार्श्व यानी संट EMF प्रोपोर्शनल मोटर गति के होता है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं, मोटर में जो होता है बैक विद्युत वाहक बल या बराबर आपका यहाँ पर देख सकते हैं K ∅ N होता है, इस प्रकार आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न, DC संट मोटर के लिए संट क्षेत्र नियंत्रण विधि के संबंध में गलत कथन का चयन करना है, इसमें कौन सा कथन गलत है आपको बताना है, जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सीरीज क्षेत्र यानी सीरीज क्षेत्र रियोस्टेट में शक्ति हानि अत्यधिक होती है, यही आपका गलत है।
जैसे कि आपको यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, नियंत्रण आसान और प्रभावी होता है। बिल्कुल सही है, बहुत कमजोर क्षेत्र के कारण शीर्ष गति और न्यूनीकृत बला घोल प्राप्त होता है, ये भी सही, और सामान्य गति से अधिक गति प्राप्त की जा चुकी है, ये भी सही है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यही आपका गलत है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर फार्मूला देख लीजिए जो कि इस प्रकार दिए गए। आर्मेचर प्रतिरोध नियंत्रण विधि, आर्मेचर गति से कम गति प्राप्त की जा सकती है, इसमें बला घोल का मान नियत रहता है, इसमें शक्ति का मान भी गति के समानुपाती होता है। अगला पॉइंट है फील्ड फ्लक्स नियंत्रण विधि, सामान्य गति से अधिक गति यहाँ पर प्राप्त की जा सकती है, जो कि इस फार्मूले से, इसमें शक्ति का नियत रहता है तथा कमजोर क्षेत्र के कारण बला घोल जो है यहाँ पर देख सकते हैं इसका मान घटता है, इसमें फील्ड के सीरीज में अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ा जाता है। वार्ड लियोनार्ड विधि के बारे में देखते हैं, जो कि वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण विधि, इसमें आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण विधि भी कहते हैं, इससे सामान्य से कम तथा अधिक गति प्राप्त की जाती है, इससे हानियों का मान न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न, डीसी शंट मोटर के लिए आर्मेचर नियंत्रण विधि के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। गलत कथन आपको बताना है इसमें कौन सा गलत कथन है, जहाँ कि आपको यहाँ पर तीन कथन सही है, एक कथन गलत है, जो कि भार में परिवर्तन एक स्थिर गति को नहीं बनाए रखा जा सकता, ये भी बिल्कुल सही है, और नियंत्रण प्रतिरोध आर्मेचर धारा को प्रवाहित करने के लिए अविकल्पित डिजाइन है, अतः इसकी लागत अधिक है, ये भी सही है, और यहाँ पर केवल सामान्य से नीचे की गति प्राप्त की जा सकती, ये सही है। जबकि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, नियंत्रण प्रतिरोध में शक्ति हानि उच्च धारा निर्धार के कारण कम होती है, जिससे मोटर की दक्षता उच्च बढ़ जाती है, ये आपका बिल्कुल गलत है। चलिए यहाँ पर एक बार फिर से आपको बताते हैं, डीसी शंट मोटर की गति सदैव स्थिर रहती है, इसमें नियंत्रण प्रतिरोध शक्ति हानि उच्च धारा निर्धार के कारण कम होती है, जिससे मोटर की दक्षता बढ़ती है, यह पूर्णतः आपका गलत है। अगला प्रश्न, आधार चाल के ऊपर दिष्ट धारा मोटर चाल को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से किस चाल के नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर, जो कि यहाँ पर क्षेत्र अभिवाह नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। आधार चाल से ऊपर दिष्ट धारा मोटर चाल को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र अभिवाह नियंत्रण द्वारा चाल नियंत्रण विधि का प्रयोग में लेते हैं। अगला प्रश्न, दिष्ट धारा मशीन यानी डीसी मशीन में घूमने के वाले भाग को क्या कहा जाता है? सही उत्तर, आर्मेचर कहते हैं। देख लेते हैं पूरी जानकारी, जो कि इस प्रकार है, जैसे कि डीसी मशीन में घूमने वाले भाग को आर्मेचर कहा जाता है। इसका आकार बेलनाकार ड्रम जैसा होता है, जो सिलिकॉन की पत्तियों को रिवेट करके बनाया जाता है। वाइंडिंग करने के लिए इसमें स्लॉट कटे होते हैं, और यह निम्न निम्न प्रकार के होते हैं, जो कि खुले स्लॉट, अर्ध बंद स्लॉट होते हैं। चलिए, एक कम्यूटेटर का उपयोग किसमें किया जाता है? सही उत्तर, डीसी मशीन में करते हैं। कम्यूटेटर का उपयोग डीसी मशीन में किया जाता है, यह हार्ड डाउन कॉपर की मोटी पत्तियों को बैकलाइट के आधार पर कसकर बनाया जाता है। पत्तियों के बीच रिक्त स्थान होता है, जिसमें अपरक भर दिया जाता है। कम्यूटेटर को आर्मेचर शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है। अगला प्रश्न, दिक् परिणामित्र खंड यानी कम्यूटेटर सेगमेंट डेड डेस्क की सहायता से एक दूसरे से रोधित यानी इंसुलेटेड किए जाते हैं। सही उत्तर, अभ्रक से। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कम्यूटेटर सेगमेंट अभ्रक की सहायता से एक दूसरे से इंसुलेटेड यानी रोधित किए जाते हैं। कम्यूटेटर हार्ड डाउन कॉपर का बना होता है, यह एसी को डीसी तथा डीसी को एसी में परिवर्तित करने का कार्य करता है, इसे यांत्रिक दृष्टिकारी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, एक डीसी मशीन में इंटरपोल वाइंडिंग को कैसे संयोजित होती है? सही उत्तर, आर्मेचर के साथ सीरीज क्रम में जुड़ी होती है। यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ, डीसी जनरेटर में कम्यूटेशन के कारण कम्यूटेटर तथा ब्रशों के बीच उत्पन्न होने वाली स्पार्किंग के निवारण के लिए मुख्य फील्ड पोल्स के बीच स्थापित किए गए छोटे पोल्स इंटरपोल कहलाते हैं। इंटरपोल पर प्रयुक्त वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज क्रम में जुड़ी होती है। अगला प्रश्न, दिक् प्रतिरोध दिक् परिवर्तन यानी रेजिस्टेंस कम्यूटेशन में डेड डैश कॉपर ब्रशों की तुलना में के रूप में डेड डैश कार्बन ब्रशों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। सही उत्तर, जैसा कि यहाँ पर प्रतिरोध दिक् परिवर्तन में जो है निम्न कॉपर ब्रशों की तुलना में उच्च कार्बन ब्रशों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर कोड में स्टील और सिलिकॉन स्टील का संयोजन कितना है? सही उत्तर, जो कि स्टील जो है 93% और सिलिकॉन जो है 7% होती है। देखते हैं यहाँ पर, जो कि
ट्रांसफार्मर वास्तव में यह एक स्थैतिक युक्ति है जो वोल्टता मान को बढ़ा या घटा देती है। इसकी कोड में स्टील और सिलिकॉन की स्टील का संयोजन इस प्रकार होता है, जो कि देख सकते हैं। सिलिकॉन का प्रयोग वास्तव में भौ धारा हानि को कम करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री निम्न में से कौन सी है? सही उत्तर, कोल्ड रोल ग्रेन व्यवस्थित स्टील से बना होता है। ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए कोल्ड रोल्ड ग्रेन अवस्थित स्टील का प्रयोग किया जाता है। इसका कार्य उद्देश्य फ्लक्स का आसान रास्ता प्रदान करना होता है। इसमें लेमिनेशन की मोटाई 0.35 से लेकर 0.5 mm तक होती है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए आमतौर पर निम्न में से कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। कोर के लेमिनेशन आमतौर पर सिलिकॉन स्टील से बने होते हैं। सिलिकॉन की यह मात्रा शैथिल्य हानि को कम करने हेतु प्रयुक्त की जाती है। अगला प्रश्न, एक ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल लेमिनेशन की मोटाई आमतौर पर 1.5 तक होती है। सही उत्तर, जो कि मैंने आपको पहले बताया, जो कि 0.3 mm से लेकर 0.5 mm तक होती है। देखते हैं यहाँ पर, जो कि ट्रांसफार्मर में एडी करंट लॉस को कम करने के लिए आयरन लॉस को कोर को लेमिनेटेड बनाया जाता है। लेमिनेशन की मोटाई 0.35 mm से लेकर 0.5 mm तक रखी जाती है। लेमिनेशन की मोटाई जो है इंसुलेटिंग पदार्थ जैसे पेपर, वार्निश, इनेमल के द्वारा एक दूसरे से इंसुलेटेड रहती है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर कोर के लेमिनेशन पर इनेमल परत क्यों कोट दी जाती है? सही उत्तर, जो कि एक दूसरे के खिलाफ लेमिनेशन को अलग करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया, जो कि 1.5 एक डिजिटल ट्रांसड्यूसर है। सही उत्तर, एनकोडर एक डिजिटल ट्रांसड्यूसर है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एनकोडर एक ऐसा लॉजिक परिपथ है जो प्रत्येक इनपुट सिग्नल को उचित कोड जैसे बाइनरी यानी BCD यानी बाइनरी कोड आदि से आउटपुट सिग्नल परिवर्तित करता है, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि जब किसी क्रिस्टल के पार लगाया हुआ बल एक छोटी वोल्टता उत्पादित करवाता है तो क्रिस्टल 1.5 प्रभाव दर्शाता है। सही उत्तर, फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव दर्शाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब क्रिस्टल के पार लगाया हुआ बल एक छोटी वोल्टता उत्पादित करवाता है तो क्रिस्टल फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव दर्शाता है। अगला प्रश्न दिया गया, स्ट्रेन गेज एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है और यह बदलता है, क्या बदलता है? सही उत्तर, यांत्रिक विस्थापन को प्रतिरोध परिवर्तन में बदलता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, स्ट्रेन गेज एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है और यह एक यांत्रिक विस्थापन को प्रतिरोध परिवर्तित में बदलता है। स्ट्रेन गेज एक इस सिद्धांत पर कार्य करती है जो कि किसी चालक या अर्धचालक का प्रतिरोध पर उस विकृति यानी विरूपण लगाने पर बदल जाता है। विकृति के साथ प्रतिरोध परिवर्तन के गुण का उपयोग विस्थापन व दाब मापन में किया जाता है। अगला प्रश्न, एक रिलक्टेंस मोटर एक प्रकार की डाइलेक्ट्रिक मोटर है जो फेरोमैग्नेटिक रोटर पर 1.5 प्रेरित करती है। सही उत्तर, गैर स्थायी चुंबक की ध्रुव इसका सही उत्तर है। एक रिलक्टेंस मोटर एक प्रकार की इलेक्ट्रिक मोटर है जो फेरोमैग्नेटिक रोटर पर गैर स्थायी चुंबक की ध्रुव को प्रेरित करती है। अगला प्रश्न, किसी स्टेपर मोटर में यदि स्टेप कोण 45 डिग्री है तो इसका विभेदन स्टेप चक्कर होगा। सही उत्तर, जो कि 180 में भाग देंगे तो आपका यहाँ पर 8 उत्तर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी गलती है, आपको बता, यहाँ पर आपका जो है, जो कि यहाँ पर आपका 360 होगा, 360 में देंगे भाग 45 का, तब आपका 8 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक स्टेपर मोटर के प्रति घूर्णन में कितने छोटे स्टेप होते हैं? सही उत्तर, 200 स्टेप होते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक स्टेपर मोटर के प्रति घूर्णन में 200 छोटे स्लॉट होते हैं। ये मोटर कम्यूटेटर रहित ऐसी मोटरें होती हैं जिसमें सभी वाइंडिंग केवल एक स्टेटर पर स्थापित की जाती हैं। रोटर या तो स्थायी चुंबक से निर्मित हो अथवा चुंबकीय धातु से दांतेदार पहियों के रूप में होते हैं। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किसी युक्ति के एक घूर्णन में 4, 8, 12 और 500 अंशों के स्टेप में घुमाने हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न,
स्टेपर मोटर की तरंग उत्तेजन के परिणाम स्वरूप डेड डैश होता है, सही उत्तर अर्ध सोपानी होता है। स्टेपर मोटर वर्तमान निरपेक्ष में अत्यंत महत्वपूर्ण एकल फेज सिंगल फेज मोटर होती है जो अनुसंधानों तथा कंप्यूटर प्रिंटर आदि में प्रयुक्त की जाती है। साथ ही स्टेपर मोटर की तरंग उत्तेजन के परिणाम स्वरूप अर्ध सोपानी होता है, जहाँ अर्ध सोपानी यानी स्टेपर मोटर जो होती है आधे स्टेप के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, स्टेपर मोटर में प्रयोग किए जाने वाला रोटर है, सही उत्तर स्थायी चुंबकीय प्रकार का रोटर होता है। स्टेपर मोटर वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसंधान में बहुतायत प्रयोग की जाने वाली मोटर है जो प्रतिस्टेप के सापेक्ष चलती है। ज्ञात रहे इस प्रकार के रोटर स्थायी चुंबकीय प्रकार का होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, जैसे कि चर रिलक्टेंस स्थायी चुंबक और हाईब्रिज किसके मूल प्रकार हैं, सही उत्तर स्टेपर मोटर के प्रकार हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, चर रिलक्टेंस स्थायी चुंबक और हाईब्रिज स्टेपर मोटर के मूल प्रकार होते हैं। स्टेपर मोटर वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसंधानों में प्रयुक्त बड़े पैमानों पर प्रयुक्त होती है। साथ ही वर्तमान मॉडर्न प्रिंटर सोलर प्लेट एडजस्टमेंट मशीन में भी स्टेपर मोटर प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, जैसे कि फ्लोरोसेंट लैंप की ट्यूब डेड डे से भरी होती है, सही उत्तर मरकरी और आर्गन से भरी होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि फ्लोरोसेंट में पदार्थ जो भरे होते हैं, इसका जो कैल्शियम टंगस्टन पदार्थ भरा होता है, इसका जो प्रकाश होता है नीला होता है, इसकी तरंग दैर्ध्य 4400 एंगस्ट्रॉम होती है। मैग्नीशियम टंगस्टेट इसमें पदार्थ जिसमें होता है, इसका नीला सफ़ेद होता है रंग और इसकी जो है तरंग दर्द 4800 होती है एंगस्ट्रॉम। जिंक सिलिकेट का देख सकते हैं, इसका प्रकाश हरा होता है, इसका तरंग दर्द 5250 होता है। कैडमियम सिलिकेट जो पदार्थ होता है, इसका जो पीला सफ़ेद होता है, इसका 5950 एंगस्ट्रॉम होता है। कैडमियम बोरेट जो है गुलाबी होता है इसका रंग और इसका 6150 होता है तरंग दैर्ध्य वो एंगस्ट्रॉम। अगला प्रश्न, कौन सा लैंप एक अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम के लिए सर्वाधिक उचित है, सही उत्तर मेटल हैलाइड लैंप एक अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम के लिए सर्वाधिक उपयोग करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और आपको सबसे ज़्यादा लाइक करने की बात छोड़िए, आपको 2024 में फाइनल सिलेक्शन लेना है, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप ज़रूर देखा करें ताकि आपका यहाँ पर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नियॉन साइन लैंप का प्रयोग होता है, सही उत्तर विज्ञापनों में करते हैं। नियॉन साइन लैंप का प्रयोग विज्ञापनों में करते हैं। यह ठंडे कैथोड प्रारूपी लैंप होता है, इसमें प्रत्येक विसर्जन उच्च वोल्टेज पर निर्भर करता है। नियॉन लैंप की दक्षता 15 से 40 लुमेन प्रति वाट होती है। इसकी शक्ति खपत जो होती है 5 वाट तक होती है। इन लैंपों का प्रयोग विज्ञापनों में किया जाता है। अगला प्रश्न, दृश्य स्पेक्ट्रम की परास क्या है, सही उत्तर 380 mm से लेकर 740 nm होती है एनएम से लेकर। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, दृश्य स्पेक्ट्रम की परास 380 nm से लेकर 740 nm होती है। यह तरंग लंबाई जो आंखों की दृष्टिगोचर प्रतीत होती है दृश्य स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। दृष्टिगोचर होने वाला रंग पीलापन के लिए हरा रंग होता है, जिसे कोई कलई रंग भी कहते हैं। अगला प्रश्न, स्थिर विद्युत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिस्टर प्रभावित होता है, सही उत्तर मोस्फेट जो है प्रभावित होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मोस्फेट इसमें गेट एक अर्धचालक चैनल के बीच सिलिकॉन ऑक्साइड की एक अर्धचालक परत स्थापित की जाती है, जिससे गेट का प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है। इस कारण मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं। अगला प्रश्न, UJT केवल एक पीएन संगम वाला ट्रांजिस्टर यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर कहलाता है। इसमें एक छोटा पी क्षेत्र होता है जो एमिटर कहलाता है, और एक बड़ा एन क्षेत्र होता है जो दो संयोजक बेस वन तथा बेस टू संयोजित होते हैं। यह ट्रांजिस्टर निम्न आवेशित ऑसिलेटर के रूप में टाइमर पथों में प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, FET यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिस
ट्रांजिस्टर में ड्रेन करंट के मान का निर्धारण वैद्युतिक क्षेत्र के आवेश के द्वारा संपन्न किया जाता है वह फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहलाता है। इसका उपयोग टीवी रिसीवर्स कंप्यूटर कंप्यूटर्स ऑसिलोस्कोप आदि में पावर एम्पलीफिकेशन तथा वोल्टेज वेरिएबल रेजिस्टेंस की भांति किया जाता है। अगला प्रश्न, मोसफेट की द्वारा परिपथ प्रतिबाधा डैश की कोटि का होता है? सही उत्तर 10^9 ओम की कोटि का होता है। जैसे कि यहाँ पर मोसफेट के बारे में देखते हैं, इसका जो पूरा नाम होता है मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। मोसफेट वह युक्ति है जो वोल्टेज के द्वारा संचालित किया जाता है। यह यूनिपोलर युक्ति होती है और इस युक्ति को गेट टर्मिनल द्वारा कंट्रोल किया जाता है। डिप्लीशन तथा इन्हांसमेंट मोसफेट दोनों में चैनल की चालकता अर्धचालक पर एक इंसुलेशन सिलिकॉन ऑक्साइड की परत में प्रयुक्त विद्युत क्षेत्र द्वारा चैनल में आवेश प्रेरित होता है। प्रेरित आवेश की मात्रा गेट पर प्रयुक्त विभव पर निर्भर करती है। परिपथ प्रतिबाधा 10^9 ओम प्रति मीटर होती है, जिसमें इसके भांति सोर्स ड्रेन गेट होते हैं। अगला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि एन चैनल मॉस्फेट बना हुआ है, इधर पी चैनल मॉस्फेट बना हुआ है। इसका डायग्राम भी यानी इसका सिंबल भी आपको पूछ लिया जाता है। ट्रांजिस्टर जो केवल उच्च धनात्मक गेट वोल्टेज के साथ वृद्धि मोड पर चलाए जाते हैं डैश कहलाते हैं। सही उत्तर मॉस्फेट कहलाते हैं। वह ट्रांजिस्टर जो केवल उच्च धनात्मक गेट वोल्टेज के साथ वृद्धि मोड पर चलाए जाते हैं मॉस्फेट कहलाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर।